हिस्ट्री hey well. so का जो है हिस्ट्री की क्लास चल रही थी अभी राइट हिस्ट्री का हमने डिटेल में नहीं देखा था बस टाइम लाइन देखा था राइट टाइम लाइन सो आईव गिवेन यू वन डे का टाइम ऑल्सो टू रिवाइज और टू रिमेंबर दो स्टफी है सो आई गेस की आपको एटलीस्ट टाइम लाइन तो आती होगी सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अर टाइम गाइज वी डू है कौन से फेजेस हुए थे अपने सबसे पहला हुआ था मॉडर्न राधर नॉट मॉडर्न एक्सट्रीमिस्ट नहीं सबसे पहले मॉडरेट फेज मॉडरेट फेज हुआ था राइट मॉडरेट फेज कब से 18, uh, 85 से अपना 1905 के बीच में हुआ था एंड सेकेंड अपना हुआ था एक्सट्रीमिस्ट फेज एक्सट्रीमिस्ट फेज एक्सट्रीमिस्ट फेज में क्या हुआ था कब हुआ था 19 कहां से 1906 से सेवेंटीन तक ऐसा ही कुछ फाइन मॉडरेट मतलब आ, आपको अगर मैं बोलूं मॉडरेट मतलब मॉडरेट मतलब आपका होता है नरम दल नरम दल नरम दल मतलब जो प्यार मोहब्बत की भाषा समझते थे जिनको प्यार मोहब्बत से इंडिपेंडेंस चाहिए थी जो कि मिला हमको बाद में गांधी जी भी ऐसा कहते हैं कि आई डोंट नो नरम दल के तो नहीं थे डेफिनेटली वो बट उन्होंने नॉन वायलेंस का पाथ चूज किया था ठीक है विच वॉज अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट फेज फाइन एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल गरम दल फाइन गरम दल सो so, गरम दल का क्या कहना था कि अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो यू हैव टू फाइट फॉर इट फाइन सो डेफिनेटली यू इफ यू वांट समथिंग यू डेफिनेटली हैज टू फाइट फॉर इट राइट सो वही चीज है आईएनसी कब एस्टैब्लिश हुई थी आईएनसी आपकी 1885 में एस्टैब्लिश हुई थी ठीक है इसके बारे में डिटेल मैंने पिछले क्लास में भी दे रखा था ठीक है आईएनसी वाज एनसीटैब्लिश इन 1885 1885 व्हेन लॉर्ड एटी वाज द वाइसराय ऑफ बॉम्बे लॉर्ड डफरिन जो डफरीन वाइसरॉय थे उस टाइम पे वाइसरॉय थे बॉम्बे के बॉम्बे के फाइन बॉम्बे के ठीक है सो so ये चीज है नाउ इनके यहां पर चार सेशन हुई थी ठीक है गाइस फोर्थ सेशन वाज हेल्ड फोर सेशंस वर हेल्ड ठीक है सबसे पहला और जो सबसे पहला प्रेसाइड किया होता 1880 rather 1885 में बॉम्बे में ही हुआ था उनका मीटिंग ठीक है बॉम्बे में सबसे पहले जिसके हेड थे प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बैनर्जी बैनर्जी स्पेलिंग देख लेना ठीक है बैनर्जी 1886 में दूसरा हुआ था 1887 में तीसरा हुआ था 1888 में हुआ था नाउ बॉम्बे के बाद 1886 में आपका हुआ था कैलकटा में रिमेम्बर गाइस उस टाइम पे क्या होता था नॉर्ट कोलकाता ठीक है यहाँ पे थे दादा भाई नोजी नावरोजी जो भी स्पेलिंग देख लेना ठीक है मेरे को थोड़ा सा स्पेलिंग में अनकंफर्टेबल हूं इन लोग का क्या है स्पेलिंग करके मद्रास मद्रास ना 1887 में में हुआ था इन इसके जो थे हैदरुद्दीन तैयब बद्रुद्दीन तैयब जी, जी, जी प्रेसाइड किए थे यानी प्रेसिडेंट बने थे ओके उस 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 मीटिंग के नाव 1888 में आपका अलाहाबाद अलाहाबाद जो कि अभी प्रयागराज हो चुका है अलाहाबाद कौन कौन प्रेसाइड किया था जॉर्ज

मॉडरेट मतलब नरम दल के लोग थे ठीक है जो प्यार मोहब्बत की भाषा समझते थे एंड देर एम वॉज नॉट टू बी एग्रेसिव फॉर इंडिपेंडेंसर एम वॉज नेवर टू बी यू नो एग्रेसिव बी एग्रेसिव नाउ लेट गो फॉर कौन सा अपना एक्सट्रीमिस्ट फेस एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट फेस गाइज इसका आपको पीडीएफ चाहिए ना मेरे हैंड रिटन नोट्स है पीडीएफ के आप उसको अवेल कर सकते हो आई वुड अर्ज यू टू वॉच द फर्स्ट लिंक जो फर्स्ट लिंक है आपका जो डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्क्रिप्शन में जो आप क्या क्रैश कोर्स के बारे में बताया उसमें मैंने आपको सारी डिटेल दे रखी है ठीक है इफ यू वॉन्ट टू अवेल दैट पी डी एस अलॉन्ग विद ऑल दी अदर पीडीएफ यू कैन अवेल इट जस्ट यू हैव टू वॉच इट आपको सारी चीजें समझ में आएगी आप कैसे अवेल कर सकते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट फेज कब से कब तक, तक था नाइनटीन से नाइनटीन तक ओके okay? सो so, इसमें इसको क्या बोलते हैं लाल बाल पाल ठीक है ये लाला लाजपत राय बाल बाल गंगाधर तिलक और अरुण पाल कौन है अगर आप जानते होंगे तो पाल जो है अरुणिंद ऑल्सो अरुबिंदु अरु घोष भी थे उसमें ठीक है बिंदु घोष अरुबिंदु घोष भी थे फाइन सो फोर्थ मेंबर लेकिन लाल बाल पाल की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस हुआ था ये फाइन सो पाल मतलब बिपिन चंद्रपाल बिपिन चंद्रपाल वो थोड़ा टाइम लगता है याद आने के लिए ठीक है सो वेर विद इट लाइक याद आया मोस्ट सफिशियंट बाल गंगाधर तिलक गंगाधर तिलक ओके एंड लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय फाइन सो इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था फाइन पंजाब केसरी बहुत माने जाते थे ना देखो मैं पॉइंट लिखूंगा नहीं इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम राधर लिसन इट

काइंड ऑफ रिसर्च अबाउट हिम लाइक मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है इनके बारे में इनकी इतनी हवा थी ना उस टाइम पे यू कैन नॉट इवन इमेजिन कितनी हवा थी हवा मतलब हमारे लैंग्वेज में हवा बोलते हैं ही हैज सो मच ऑफ अ बिग और दैट इवन ही हैजू न्यूज पेपर्स विच वी वी आर गोइंग टू डिस्कस ठीक है द न्यूज पेपर वॉज केसरी जो कि मराठी में लॉन्च आता था एंड मराठा जो कि इंग्लिश में होता था फाइन सो so, अगर न्यूज पेपर में ये लिख देना कि कल यहाँ से यहाँ तक रैली निकलेगी तो पूरी महाराष्ट्र उनके पीछे आती थी फाइन सो so, इतना ये उनका ये होता था फाइन सो ही वॉज डेफिनेटली अनकॉम्प्रोमाइजेबल अनकॉम्प्रोमाइजिंग लीडर ठीक है लीडर अगर मैं बताता हूं अगर बाल गंगाधर तिलक रहते थे इंडिपेंडेंस तक तो 1947 से पहले ही इंडिपेंडेंस मिल चुका होता था बट इट इज माई ओपिनियन बिकॉज आई स्टडीड अबाउट हिम नो ऑफ स्टफ्स अबाउट हिम सो आई एम टेलिंग यू क्योंकि उनकी जो विजनरी थी वो इतनी मस्त थी और उन्होंने ना यू uh, नो you know, अगर मैं डिटेल बताने गया ना गाइज तो इट विल टेक अ लॉर्ड ऑफ टाइम मैं एक चीज बता देता हूँ कि वो जब uh, मतलब वो ना ज्यादा किस चीज पे फोकस करते थे वो फोकस करते थे आपके यू नो गणेश चतुर्थी मनाने में गणेश चतुर्थी मनाने में सो दैट लोगों को ना आपको लोगों को अपनी इंडियन वाली पेट्रियाटिज्म फीलिंग आए उन्होंने एडुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था एडुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था फाइन सो कमिंग बैक टू द टॉपिक सो या ही पर्पजली ऑर्गेनाइज गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल सो दैट पीपल कैन यू नो गैदर एट वन प्लेस

होमवर्क एनी एनीवेशन के साथ में ठीक है 1916 1916 में जब आएंगे तब डिटेल में बताता हूं नाउ ही आल्सो रोट गीता रहस्य एफ कैट में बहुत इंपॉर्टेंट है गीता रहस्य बुक का नाम है फाइन स्वराज इसमें बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट ये जो लाइन है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही दी गई हुई है फाइन ना दूसरे जो है गाइस दूसरे जो है वो है लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय ओके okay? लाला लाजपत राय नाउ ही इज आल्सो नोन एज पंजाब केसरी पंजाब केसरी भी बुलाया जाता है क्योंकि इसको इनको पंजाब में बहुत माना जाता है लाइक यू कैन नॉट इमेजिन उतना ज्यादा माना जाता था पंजाब में रिमेंबर भगत सिंह ठीक है सो so, ये सारी चीजें जब भगत सिंह की बात आएगी तब बताऊंगा मैं ठीक है नाउ ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट डेफिनेटली एक्सट्रीमिस्ट थे एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम पंजाब फ्रॉम पंजाब ठीक है उस टाइम का पंजाब जो ला, लाहौर वगैरह सबको इंक्लूड करता है अभी का पंजाब तो अलग है बट उस टाइम पे पाकिस्तान भी इंडिया में ही था ठीक है सो वो बात है ही साइमन कमीशन ही बॉयकॉटेड साइमन कमीशन साइमन कमीशन फाइन साइमन कमीशन बॉयकॉट किया था ठीक है सो थर्ड बिपिन चंद्रपाल बिपिन चंद्रपाल बिपिन चंद्रपाल ना पिन चंद्रपाल जो है इन्होंने इंग्लिश वीकली निकाला था न्यू इंडिया नाम से न्यू इंडिया न्यू इंडिया के नाम से इंग्लिश वीकली निकाला था इन्होंने एंड ऑल्सो स्वदेशी मूवमेंट लेड किया था स्वदेशी मूवमेंट लेड किया था फाइन मूवमेंट लेड किया था इन्होंने ऑल्सो फाउंडेड वंदे मातरम वंदे मातरम ठीक है सोना so श्री अरुबिंदु घोष के बारे में थोड़ा देख लेते हैं श्री अरुबिंदो घोष फाइन श्री अरुबिंदो घोष ना ये एक्चुअली ही पास नो आईसी एग्जाम होता है विथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्क्स लाइक इन ग्रीक एंड लैटिन रिकॉर्ड ये बहुत इंटेलिजेंट थे यूरोपियन अपब्रिंगिंग लाइक यूरोप में पैदा हुए थे तो अपब्रिंगिंग वहीं की होगी ही स्टार्टेड बेंगाल डेली कॉल्ड जुगान्तर जुगान्तर या जुगान्तर जो भी है ठीक है जुगान्तर नाउ ही स्टार्टेड लाइक अगेन ही स्टार्टेड जुगान्तर ठीक है ही ही वाज वाज पुट इन ट्रायल कैलकाटा बॉम्बे बॉम्ब कॉन्स्पिरसी हुई थी ठीक है उसके अंदर इनको ट्रायल में भी हेल्ड किया गया था फाइन सो so, इनकी ना दीज आर दी एक्सट्रीमिस्ट गाइस, इनका मेथड क्या था टू गिव अ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इज नॉट कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिश गवर्नमेंट As as जितना चाहिए वो ना अपने स्वदेशी आइटम को स्वदेशी आइटम को प्रमोट करते थे ब्रिटिशर्स को कुछ भी हो जाए ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करते थे कैसे भी तरीके से सो इट वॉज देर पैसिव रेजिस्टेंस देने काम था उनका फाइन सो दिस वॉज सम अबाउट मॉडरेट एंड मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेस नाउ

थ ऑफ अक्टूबर नाइनटीन ओ फाइव में ठीक है में क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक ही मानना था यार ब्रिटिशर्स का एक ही मानना था अगर वो लोग मतलब उन्होंने ना हम हम पे दो सौ साल राज किया तो कैसे किया मालूम एक रूल है कॉल्ड डिवाइड एंड रूल डिवाइड एंड रूल डिवाइड एंड रूल की वजह से क्योंकि बंगाल से बहुत पैसिव रेजिस्टेंस मिल रहा था एंड बंगाल वॉज दी अपब्रिंगिंग फेस लाइक बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह थे तो उन्होंने क्या किया डिवाइड कर दिया ठीक है जैसे डिवाइड करोगे तो तू मेरा मैं तेरा तू करके ऐसे लड़ाई होगी सो दैट वॉज दिच दे एंड दे डिड ठीक है सो बाई क्रिएटिंग अ न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल विच लेटर ऑन बिकेम ईस्ट पाकिस्तान नाउ जो ईस्ट ईस्ट बंगाल जो है ईस्ट बंगाल जो है उन्होंने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में किया था आज आप देखते न, West Bengal so Bengal ना वेस्ट पार्टि, बंगाल नाम ठीक है सो ये बंगाल ना पार्टी पार्टीशन हुआ था दो में बंगाल पार्टीशन हुआ था दो में ठीक है सो वेस्ट बंगाल तो अभी तक टिका हुआ है ईस्ट बंगाल बना 1947 के बाद ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान एंड फिर 1971 में फिर वो बन गया अपना कौन सा बांग्लादेश बांग्ला देश ठीक है बांग्लादेश बन गया तो पाकिस्तान के हाथ में ये भी नहीं आया फाइन सो अब हम इसको ईस्ट वेस्ट बंगाल कहते हैं अभी भी फाइन स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय एन बैनर्जी ठीक है एंड इन ऑगस्ट द दे प्रेजेंटेड रीजंस बट मेन ऑब्जेक्टिव वाज ऑब्वियसली लाइक ऑब्वियसली डिवाइड एंड रूल फाइन सो लॉर्ड करजन वॉज दाइस रॉय एट दिस टाइम ठीक है लॉर्ड मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यार नाइनटीन फाइन 1905 के बारे में पढ़ रहे हैं हम लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन जो थे कर्जन जो थे वाइस रॉय थे लॉर्ड करजन वॉज दी वाइस ऑफ इंडिया एट दैट

ठीक है so, सो वही चीज तो उन्होंने हमेशा किया है जब भी उनको राज करना है तो so, उन्होंने किया फाइन या नाउ वी कम टू वट नाइनटीन ओ सिक्स राइट नाइनटीन ओ सिक्स में क्या हुआ मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश हुई ना इन डिसंबर इन डिसंबर 1906, 1906 में यू नो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज सेट अप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ए आई एम एल वॉज सेवाब सलीम उल्ला नवाब सलीमुल्ला ठीक है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेटअप किया था बाई नवाब नवाब सलीम उल्लाह ऑफ ढाका एट डेका जो अभी आप ढाका बोलते ना ढाका ठीक है बांग्लादेश में जो है उसको ठीक है दिस लीग सपोर्टेड पार्टीशन पार्टीशन को सपोर्ट किया क्योंकि अलग से उनको भी राज करने को मिला था क्यों नहीं करेंगे ठीक है ना हेडक्वार्टर जो इनका था इनका हेडक्वार्टर जो था लखनऊ में था लखनऊ फाइन सो ये चीज है 1907 में देखें हम 1907 1907 1907 में क्या है अपना सूरत स्प्लिट सूरत स्प्लिट डिवीजन ऑफ कांग्रेस हुआ डिवीजन ऑफ कांग्रेस हुआ कांग्रेस ठीक है यहीं पर आपके एक्सट्रीमिस्ट और यू नो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स डिफरेंट हुए ठीक है द मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज बाय रास बिहारी घोष रास बिहारी घोष फाइन रास बिहारी घोष कांग्रेस लाइक अगेन कांग्रेस गॉट डिवाइडेड कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इन टू मॉडरेट्स मॉडरेट्स एंड तब तक ना मॉडरेट फेज ही चल रहा था ठीक है तो एक्सट्रीमिस्ट ने अपने आप को अलग कर दिया था ठीक है एक्सट्रीमिस्ट ठीक है सो इसके जो हेड थे वो बने कौन गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले गोखले की स्पेलिंग क्या है जी एच एच ओ के ए एल ई ठीक है ये ना गांधी जी के वो क्या बोलते हैं गांधी जी इनके बहुत बड़े भक्त थे आप कह सकते हैं ठीक है एक्सट्रीमिस्ट एक्स्ट्री, में लाल बाल पाल ठीक है ये तो आप जानते हैं अभी अभी मैंने डिटेल में आपको बताया फाइन ना नाइनटीन अभी कहां पर है हम नाइनटीन ओ नाइन मार्लियामेंटो एक्ट मार्लियमेंटो एक्ट ठीक है मार्लियामेंटो एक्ट के तहत यू नो मार्लिमेंटो एक्ट लॉन्च हुआ था जो कि कम्युनल हार्मनी लाइक कम्युनल जो कम्युनल इलेक्शन रादर कम्युनल इलेक्शन जिसके हिसाब से कम्युनल इलेक्शन के इस, uh, मतलब हेल्ड होना चाहिए वो आया था मिंटो एक्ट में ठीक है फिर उसके बाद नाइनटीन इलेवन नाइनटीन इलेवन में डेली दरबार डेली दरबार ठीक है डेली दरबार डेली दरबार में क्या हुआ लीडर वॉज लाइक एट दैट टाइम लीडर वॉज लीडर वॉज लॉर्ड हार्डिंग्स हर, लॉर्ड हार्डिंग्स फाइन जॉर्ज फिफ्थ जॉर्ज फिफ्थ जॉर्ज द फिफ्थ जो थे एंड उसकी एंड क्वीन मेरी क्वीन मेरी जो थी उस टाइम पे चीफ गेस्ट थी ठीक है नाउ इस टाइम पे अनाउंसमेंट हुआ कि डेली विल बी दी कैपिटल ठीक है डेली जो है डेली को कैपिटल बनाया गया डेली वॉज मेड कैपिटल वॉज मेड कैपिटल उससे पहले कौन था कैपिटल उससे पहले था आपका क्याल कटाओ दिल्ली को ही क्यों कैपिटल बनाया गया आप ये ना इंश अपने मिडिवल हिस्ट्री में ज्यादा इसकी नॉलेज मिलेगी आपको क्योंकि दिल्ली से ही सारे लोग राज करते थे इट वुड बी गुड ना कि अगर आप कोई भी ये आपका देश है तो आप अगर बीच में बैठ के राज करोगे तो आप की जो पूरी जो पहुंच है लास्ट तक रहेगी और अपना क्याल कटाता यहां पर तो यहां पर यहां पर तो, तो हो जाएगा लेकिन यहाँ का क्या करेंगे राइट right? इसलिए बीच में होना बहुत जरूरी है कोई भी यू नो राज्य को सो so दैट वो हर एक हर जगह से उसको राज कर पाए ये दैट वॉज दी रीजन ठीक है अगेन बेंगाल शुड अगेन इन लोगों ने क्या किया बेंगाल शुड स्प्लिट अगेन बेंगोल को अगेन स्प्लिट किया बेंगोल को अगेन स्प्लिट किया उन लोगों ने किसमें ओरिसा ओरिशा एंड बिहार गेन वही 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 ठीक है बट इन लोगों ने अबॉलिश किया मतलब सपोर्टेड अबोलिशमेंट ऑफ यू नो बेंगाल पार्टीशन सो ड बट उन्होंने किया और नेक्स्ट नाइनटीन थर्टीन नाइनटीन थर्टीन में गदर पार्टी गदर पार्टी की स्थापना हुई थी ठीक है गदर पार्टी फाउंडेड बाई लाला लाला हरदयाल हरदयाल ठीक है और इसका जो सैन फ्रांसिसको सैन फ्रांसिसको में इसका हेडक्वार्टर्स रखा गया फाइन सो फिर 1915, 1915 में आपके आते हैं गांधी रिटर्न गांधी रिटर्न सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो गाइज लाइक बहुत ज्यादा हो गया है आई डोंट वॉन्ट यू टू टेक सो मच एट अ बल्क फाइन सो नेक्स्ट वीडियो देख लेना आप उसमें मैं पूरी चीज बताऊंगा जो यहां से कंटिन्यू करेंगे 1915 से फाइन गांधी जी रिटर्न हुए फिर उसके बाद चंपारण फिर अहमदाबाद भी लाइक एंड फिर और क्या था और फिर जलियावाला बाग मैसे एर, फिर एच एस आर एच आर ए फिर नेहरू रिपोर्ट फिर फर्स न, फर्स्ट राउंड काउं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड थर्ड फिर उसके बाद फोर्थ तो है नहीं फिर गवर्नमेंट ऑफ एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव फिर उसके बाद और क्या क्या हुआ नाइन फोर्टी टू में क्रिप्स मिशन फिर फोर्टी सिक्स में कैबिनेट मिशन फिर नाइनटीन फोर्टी सेवन में इंडिपेंडेंस ठीक है सारी चीजों के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में ठीक है सो टिल दैट पॉइंट वट आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज अगेन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट आपको ना चीजें समझ में आएंगी एंड गाइज सब्सक्राइब सब्सक्राइब दिस चैनल गाइड विनर्स गाइड के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम को भी चैनल सब्सक्राइब करो सो दैट यू नो आपको वहीं वहां पर भी क्वेश्चन बहुत सारे पोस्ट होते हैं ठीक है सो आई वुड अर्ज यू टू वॉच कार्तिक कदम का वीडियो कार्तिक कदम का भी वीडियो देखो जिसमें उसने बताया है कि कैसे उसने दो सौ मार्क्स स्कोर किए विदाउट स्टडिंग लाइक टेन फिफ्टीन आवर्स अ डे फाइन सो उसने दि मार्क्स से स्कोर किया ठीक है so i want you to watch that and also subscribe us and give us appreciation and i'll meet you in the next video till then take care bye bye